अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिल और कलेजी की रेसिपी बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो बीफ की दिल और कलेजी यूज़ कर रही हूँ, एक बड़े साइज़ की प्याज, हाफ कप कुकिंग ऑयल, फुल टेबल स्पून सुरख मिर्च, फुल टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, फुल टी स्पून पिसी हुई हल्दी, 8 से 9 पीस लहसुन के, आधा अदरक, 5 से 6 अदद हरी मिर्च, 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर। इनको इन चीज़ों को सबसे पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी। मिर्चें, लहसुन अदरक, टमाटर, प्याज और 1 प्याली पानी, ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैं ये दिल और कलेजी ऐड करूँगी। सबसे पहले जी ऐड करने के बाद मैंने सारे मसाले जो ग्राइंड कर लिए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और सारे ये वाले मसाले, ऑल स्पाइसेस। अब मैं इसे तेज़ आंच पे अच्छे से भून लूंगी। आप चाहें तो इसे मसाला भून के भी बना सकते हैं, मैं बगैर मसाला भूने बना रही हूँ, इस तरह ज़्यादा मज़े की बनती है। ये पकनी शुरू हो गई है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर लूँगी, और जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा ये भी गल जाएगी, फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे। पूरे 15 मिनट हो गए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ है। ये इसका बस थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, ये भी तकरीबन 5 मिनट तक खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब मैं इसकी थोड़ी सी हाई फ्लेम कर दूँगी। पूरे 5 मिनट बाद इसका पानी देखें तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दी है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। ये थोड़ी सी भी कच्ची है, इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख दूंगी, तब तक ये भुन भी जाएगी और तकरीबन गल भी जाएगी। मिनट बाद मैं इस नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। ये बनके तैयार है। दिल कलेजी की रेसिपी बनके तैयार है। मैं इसके साथ चटनी हरे धनिए की और केचप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रायता भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।